ये चैप्टर का रिवीजन, रिवीजन करते हैं फटाफट सर सेक्शन नंबर एटी फाइव लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर बिजनेस सरकार ध्यान देना कोई भी बिजनेस अगर आप परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले जिस बिजनेस को आप परचेस कर रहे हो उसका ड्यू डिलीजेंस करा देना क्यों क्योंकि अगर आपने किसी का बिजनेस अक्वायर किया है तो सर

वो बिजनेस करने के बाद के, लाइबल तो होगा जिसने बिजनेस तो, जिसने बिजनेस ट्रांसफर किया था वो लाइबल नहीं जिसने किया, वो ही होगा किया है वही लाइबल होगा क्लियर डन पर हाँ बिजनेस ट्रांसफर होता तो उससे पहले की के लिए बोथ विल बी लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली क्लियर समझे मेरी बात इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो भी एंड सेवरली लाइबल टू पे बहुत बेटा बहुत पर्सन होता बच्चों अच्छा

एजेंट प्रिंसिपल की पे एजेंट अगर सप्लाई कर है और खुद के नाम बाई वर्च सेक्शन सर प्रिंसिपल इज ऑल्सो मेड इक्वली लाइबल फॉर द ड्यूज ऑफ द एजेंट इसलिए सर एजेंट की जब एजेंट सप्लाई करता है कोई भी गुड्स उसके लिए वो लाइबल तो ही है पर सर जो भी सप्लाई उसने सर

दोनों ने जो आपस में ट्रांजेक्शन वो दोनों सेपरेट पर्सन ने आपस में ट्रांजेक्शन दोनों के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा ये माना जाएगा कि फोर्टीन ऑफ जुलाई तक दोनों जो आपस में ट्रांजेक्शन किए वो एज दो डिफरेंट पर्सन तरह ट्रांजेक्शन किए और आपस में सप्लाई जो किया उस जीएसटी लगेगा बेटा और पंद्रह जुलाई से दोनों कंपनी अगर एक बन गई है तो फिर पुरानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन होंगे कैंसिल नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अंदर और सर फिर वो सिंगल कंपनी बन गई फिर उसके बाद आगे के ट्रांजेक्शन सिंगल कंपनी के अंदर टैक्सेबल नहीं होते बेटा अगर वो सेम स्टेट में है तो अगर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे डिस्टिंग पर्सन तरह तो सर बात अलग होगी तो ऐसे केस में से जो सप्लाई करेंगे उस पर जीएसटी लगेगा लगे देख लाना बेटा इन लिक्विडेशन तो सर, कभी, कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेशन जाती तो, उसका जब है तो लिक्विडेटर को अपने अपॉइंटमेंट के तीस दिन के अंदर सर कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ क्या आपके ड्यूज पेंडिंग क्या तो उस कमिश्नर को विद इन थ्री मंथ्स सर कमिश्नर विल नोटिफाई कमिश्नर बताएगा कि साहब स्पेसिफाई करेगा कि हाँ इस कंपनी का हमारा इतना अमाउंट टैक्स इंटरेस्टी जो भी है, वो इतने है, so वो इतने अगर हो तो वो एलोकेट कर पाए क्लियर इंटीमेशन देगा कमिश्नर अच्छा, अब सेक्शन एटीन बोलता है, क्या? Of of sir, अगर कोई कम्णी कम्णी है तो सर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी ज्वाइंटली इन कंपनी अगर कंपनी पे नहीं करती तो पर अगर कोई डायरेक्टर अप्रूव कर देगी मेरा ग्रोस नेग्लिजेंस नहीं है और सर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं मेरी सर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं इस काम में तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे बाकी सारे डायरेक्टर्स विल भी ज्वाइंटली इन सेवरी तो पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी और हाँ अगर वो कंपनी मान लो किस दिन पब्लिक लिमिटेड बन गई बच्चों तो जिस दिन तक वो प्राइवेट लिमिटेड थी उस दिन तक की लाइब्रेडी के लिए ऑल द डायरेक्टर विल बी लाइबल क्लियर डन

अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको बोला गया है क्या तुम्हारे रिटायरमेंट के एक महीने के अंदर अंदर हर उस जुडिस्टिकल कमिश्नर को आप इंटीमेशन दे दे देना रिगार्डिंग योर रिगार्डिंग योर रिटायरमेंट सर जहां जहां पे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है उसके जुडिस्टिकल कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन वन मंथ बाय द पार्टनर कि मैं इस कम, इस फर्म से रिटायर हो चुका हूं इस दिन से अगर उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक की लाइब्रिटी के लिए ही वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा पर सर अगर उसने विद इन वन मंथ ये इंटीमेशन नहीं दिया तो हिज विल कंटिन्यू इवन आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो फर्म की कोई ड्यूज बचते हैं कोई पेंडिंग है तो उसके लिए वो पार्टनर भी लाइबल होगा अगर उसने विद इन वन मंथ आफ्टर रिटायरमेंट उसने वन मंथ के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया तो बच्चा हा ना भाई ना, माहौल मा, सर और अगर उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक लिए ही वो लाइबल होगा उसके बाद के लिए वो लाइबल नहीं होगा सेक्शन नाइनटी वन ऑफ गार्जियस और ट्रस्टी एटसेट्रा सर अगर कोई माइनर है या कोई अदर इनके पर्सन है जिसका बिजनेस कोई मेजर पर्सन या कोई दूसरा पर्सन कैरी ऑन कर रहा है तो ऑल दी लाइबिलिटीज ऑफ दैट माइनर और सर इनकेपेसिटेड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इफ विल बी ट्रीटेड एज इफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेजर पर्सन ओनली जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है माना जाएगा कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है खुद के लिए बेटा और सारी लाइबिलिटी उस मेजर की ही होगी जो उसके बी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है क्लियर सेम वे लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वोट्स एक्सेट्रा सर अगर किसी uh, किसी बिजनेस लिए कोर्ट ऑफ वोट अपॉइंट हुआ है या ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट हुआ है या एनी रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है या एनी पर्सन वट बी हिज डेजिग्नेशन हु एक्चुअली इनफेक्ट बैनेजेज द बिजनेस ऐसे केस में सर वो पर्सन को हमेशा लाइबल माना जाएगा फॉर द ड्यूज ऑफ द बिजनेस इज इफ हि इज हिज द केयरिंग ऑन द बिजनेस फॉर Uh, carrying on the business for himself. Clear नहीं हो रहा उसका है तो जो पर्सन उसका बिजनेस है वो लाइबल होगा सारे डूज ऑफिस पर्सन को पे करने के लिए क्लियर और अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो the deceased person लाइबल अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर पर लाइबेड जो आएगी वो मैक्सिमम उतनी लाइव्रीडीडी आई जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उसको पास ऑन हुई है उससे ज्यादा रिकवरी उसे नहीं कर पाएंगे और हाँ सर डेथ होने से पहले ही लाइब्रेडी पता थी या डेथ होने के बाद लाइब्रेड पता पड़ी उससे कोई कंसर्न नहीं है सर जो बिजनेस कैरियन वो तो अनलिमिटेड लाइब्रेडी के लिए लाइवल होगा और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर लाइवल होंगे जितनी प्रॉपर्टी पास ऑन हुई इनहेरिटेंस में उसके लिए बेटा आई बच्चो सर इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एच ओ एफ और एओपी सर परिवार परिवार नहीं रहा हिंदू और डिवाइडेड फैमिली डिवाइड हो गई सर एओपी मेंबर्स आप डिवाइड हो गए तो ऐसे केस में कोई बात नहीं सर

वो फर्म एक्जिस्टेंस में थी तो सारे पार्टनर्स विल बी जॉइंटली एंड लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ़ द फर्म क्लियर एंड इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टशिप सर यही एक भारी पॉइंट है अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड का हो गया या माइनर मेजर हो गया तो सर जिस दिन से वो माइनर मेजर हुआ या जिस दिन अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड वाला हुआ उस दिन से सारे ड्यूज के लिए वो मेजर परसन ही है, वाला परसन हो जाएगा, जो परसन छोटा ही ठीक था साहब आइए और जो अनसाउंड माइंड का था वो सोचेगा मैं वापस पागल हो जाऊ अच्छा है सर आइए सेक्शन नाइनटी फोर लाइब्री इन अदर केसेज सर हमने सेक्शन 93 में पढ़ा था क्या बिजनेस के लिए एओपी या पार्टनरशिप फर्म या सर एच यूएफ डिवाइड हो गया यहां पर सर परिवार परिवार अभी भी है जिस झगड़े की वजह से हमारा परिवार में डिस्टर्बेंस बिजनेस हमने बंद कर दिया मतलब सर सेक्शन नाइनटी फोर में बोला है क्या एओपी एच यूएफ या पार्टनरशिप फर्म ये कंटिन्यू है पर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस कंटिन्यू हो या ना हो सर ऑल द ड्यूज ऑफ द दम एपी या एल एल पी या एच यू एफ की जो भी ड्यूज होंगे उसके लिए सारे मेंबर्स In partnership firm, तो partners, sir, HUF तो सारे मतलब अभी भी रहा है के रखो और ऐसा समझो कि लाइबरी आपकी आएगी सबको जॉइंटली इन सैलरी पे करना पड़ेगा क्लियर अच्छा एक बात ध्यान बेटा अगर कभी भी चेंज इन द फर्म होता है बेटा मतलब फर्म uh, में पार्टनर्स नए आए या पुराने हटे Clear? Change in the constitution of the firm या AOP होता है अगर तो सर ध्यान देना बेटा सर जो इनकमिंग पार्टनर्स है देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए बारे में हम बात कर चुके कि सर अगर उसने वन दे दिया तो जब तक वो क्लियर उसके बाद के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा पर जो इनकमिंग पार्टनर है दैट नया पार्टनर विल बी द फर्म और एओपी सर भले वो लाइबली पहले वाले पीरियड की हो या उसके ज्वाइन करने के बाद कोई कंसर्न नहीं है क्लियर सर बिफोर और एक